लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ज्योतिष सीरीज में आज ये जानते हैं कि प्रश्न कुंडली से किस तरह से आप अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। जी हाँ, प्रश्न कुंडली से भी बड़े अच्छे तरीके से आपके प्रश्नों के उत्तर सही सटीक आते हैं। जब भी मन में संशय हो कि मुझे अमुक कार्य करना चाहिए या नहीं, यात्रा पर जाना चाहिए या नहीं, किसी रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं, तो प्रश्न कुंडली से हमें सटीक उत्तर मिलता है। कई बार हम अपनी गट फीलिंग को भी नहीं पहचान पाते हैं, इनर वॉइस को नहीं सुन पाते हैं, माइंड और सोल में द्वंद्व चलने लगता है कि क्या सही है क्या नहीं है। दोनों ही आंसर यस में आते हैं और नहीं कहने पे डर लगता है। तो प्रश्न कुंडली से आप बड़े अच्छे तरीके से अपने समय के आधार पर आंसर जान सकते हैं। प्रश्न कुंडली से हमारा मतलब है उस कुंडली से है जो प्रश्न समय आधारित होती है, यानी जिस समय जिस तिथि में प्रश्न पूछा गया है उस समय की लग्न कुंडली ही प्रश्न कुंडली कहलाती है। तो आइए जानें कि प्रश्न कुंडली से हमारे प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में कैसे मिलता है। पहली बात, यदि लग्न में चर राशि हो जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर, तो आपका काम बनेगा आप यात्रा में जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि प्रश्न कुंडली में लग्न में स्थिर राशि हो जैसे कि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, तो काम नहीं बनेगा। आप यात्रा करना चाहते हैं तो नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत डीप स्टडी के बाद आती हैं, और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन ले कराना है, प्रश्न कुंडली के आधार पर कुछ जानना चाहते हैं, कोई चीज़ चोरी हो गई है वो कब मिलेगी, इवन ये सब कुछ तक भी पता चल जाता है। मान लीजिए 10 तोले का हार है, वो गुम हो गया, नहीं पता चल रहा किस दिशा में गया होगा, कौन ले गया होगा, ये भी प्रश्न कुंडली से जाना जा सकता है। यदि लग्न में द्विस्वभाव राशि हो तो लग्नेश से उत्तर निर्धारित होगा। द्विस्वभाव राशि से हमारा अर्थ है मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इन राशियों से। यदि लग्नेश आठवें भाव में हो या पाप ग्रह युत हो तो काम बनेगा नहीं। यदि लग्नेश केंद्र, त्रिकोण या शुभ ग्रहों से युत हो तभी काम बनेगा। तो यदि आपको कुंडली एनालिसिस या फिर प्रश्न कुंडली के आधार पर कुछ पूछना है तो ये पेड रीडिंग होगी, फ्री रीडिंग नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वैसे मैं बता देती हूँ 8307788247। आगे अब बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई चीज़ आपकी खो गई हो, वो मिलेगी कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भी प्रश्न कुंडली के लग्न में से जाना जा सकता है। तो प्रश्न कुंडली के लग्न में स्थिर राशि है तो चीज़ आपकी वापस मिल सकती है, और लग्न में चर राशि है तो आपकी खोई भी वस्तु नहीं मिलेगी। और यदि लग्न में चर राशि है तो वस्तु मिलेगी नहीं, वस्तु आपकी दूर चली गई है। लग्न में द्विस्वभाव राशि है तो लग्नेश की स्थिति देखी जाएगी। अब आगे बात करते हैं प्रश्न कुंडली से, पांचवी बात यह है कि कार्येश की स्थिति देखनी होती है, यानी कि जिस कार्य का प्रश्न हो उस भाव का स्वामी का ग्रह देखना होता है, स्वामी ग्रह देखना होता है। मान लीजिए कि आपका प्रश्न विवाह संबंधी है तो प्रश्न कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश की स्थिति देखनी होती है। प्रश्न कुंडली तब बनाई जाती है जब उस सामने वाले का कुछ नहीं पता हो, ठीक है। यदि सप्तमेश शुभ ग्रह से संबंधित है तो विवाह होगा, अशुभ ग्रह से संबंधित है तो विवाह नहीं होगा। आय संबंधी अगर प्रश्न है कि मेरी जॉब कितना, पैसा कितना है ना, तो आय संबंधी अगर प्रश्न है तो 11वें भाव के स्वामी की स्थिति को देखना होता है। माता संबंधी यदि आपका कोई प्रश्न है तो चतुर्थेश की स्थिति को देखना होता है। समटाइम पूछा जाता है ना, मेरी माता का हाल कैसा रहेगा आगे, बहुत तकलीफ में है तो जीवन कितना है, तो इस चीज़ के लिए भी प्रश्न कुंडली पूछी जाती है। समटाइम होता है जब कई लोग हमेशा ही बेड रिडन में रहे हों जैसे कि 5-7 साल से, तो फिर
कोई ना कोई उनका सगे संबंधी जानना चाहता है कि ये कब तक चलेगा। संतान संबंधी कोई प्रश्न है कि बच्चा कैसे पास आउट होगा कि नहीं, और क्या उसकी लाइफ में है, या जिससे वो प्यार करता है वो उसको मिलेगी कि नहीं, इस तरह के संबंधित प्रश्न प्रश्न कुंडली से पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसका कुछ क्लैरिटी नहीं होती है, कोई डिटेल्स नहीं होती हैं, इन प्रश्नों से आप जान सकते हैं प्रश्न कुंडली से। तो अगर संतान से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो पंचमेश की स्थिति से आपको प्रश्न कुंडली से जानने को मिल जाएगा। छठी बात ये करें कि यदि प्रश्न कुंडली के लग्न में शीर्षोदय राशि यानी मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ हो तो काम बन जाएगा। लग्न में पृष्ठोदय राशि यानी कि मेष, वृषभ, कर्क, धनु, मकर राशि हो तो काम नहीं बनेगा। लग्न में उभयोदय राशि हो या मीन राशि हो तो लग्नेश की स्थिति को देखना होगा। यदि लग्नेश बली है तो काम बनेगा, पीड़ित है तो काम नहीं बनेगा। प्रश्न कुंडली आधारित अगर हम सातवीं बात करें तो लग्न में पाप ग्रह है या पाप ग्रह की दृष्टि है तो आपका कार्य नहीं बनेगा। जो भी मतलब कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये काम होगा कि नहीं, मुझे शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं, आगे क्या होगा, इस तरह का कुछ अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, तो उनके लिए प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। आठवीं बात करें तो लग्न में चर राशि बदलाव का संकेत देती है और स्थिर राशि बताती है कि जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। लग्न में पूर्ण चंद्र हो या लग्न पर गुरु शुक्र की दृष्टि हो तो, गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो कार्य शत प्रतिशत बनेगा। और बता देती हूँ कि यदि एक से अधिक प्रश्न हो, कई लोग कहते हैं प्रश्न कुंडली से तो जी एक ही क्वेश्चन का जवाब होता है, आप कैसे सारे दे सकते हो, मैं नहीं दे सकती। ऋषि पाराशर की कुंडली एनालिसिस है, ये सारा कुछ उनका दी गई देन है, ऋषियों की देन है। आगे मैं बताती हूँ, यदि एक से अधिक प्रश्न हो तो लग्न से प्रथम प्रश्न का और चंद्र से दूसरे प्रश्न का, सूर्य से तीसरे प्रश्न का, गुरु से चौथे प्रश्न का विचार करना चाहिए, ठीक है। यदि गुरु वक्री हो तब क्या हो और अस्त हो तब क्या हो, तो यदि गुरु वक्री हो, अस्त हो या नीच का हो तो चतुर्थ प्रश्न का यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का आपका विचार अन्य वक्री ग्रह से करना होगा। यही तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना कुछ डीपली स्टडी होती है और बहुत ही ध्यान से करना होता है, इसीलिए इसको लाइव एकदम से मैं नहीं लेती हूँ कि जैसे टैरो रीडिंग में होता है ना कि आपके क्वेश्चंस आ गए इधर से आंसर्स आ गए, इसमें बहुत सोचना समझना और कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक योग बन रहा है वही 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 नहीं चलेगा, दूसरे को भी देखना होता है, ग्रहों को भी देखना होता है, वक्री ग्रह तो क्या, अस्त ग्रह तो क्या, नीच में है तो क्या, कौन सी राशि में है, कौन सा स्वामी है, सारी चीज़ें देखकर ही एक करेक्ट आंसर निकलता है। इसीलिए जो लोग सीधा आपका सवालों के जवाब सीधे 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 देते जाते हैं वहाँ गड़बड़ भी हो सकती है। अब इसीलिए मैं ये काम पहले पीछे से ऑफलाइन करती हूँ जिसमें घंटे दो घंटे का टाइम लगता है, उसके बाद आपको ऑडियो सेंड की जाती है। और ऑडियो क्या होता है, वो प्रूफ होता है, वो रिकॉर्डिंग होती है, उसको आप कहीं भी दिखा लें वैसे ही आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, चतुर्थ प्रश्न का विचार अन्य वक्री ग्रहों से करना चाहिए, ये मैंने बता दिया। अब चंद्र, सूर्य, गुरु आदि से जब अन्य प्रश्नों का आप विचार करेंगे ना, जो और भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो जिस भाव में वो विराजमान है उसको लग्न माना जाएगा। और अगर आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है या प्रश्न है आपके कि हमारे बच्चे की शादी क्या उससे होगी जिसको वो प्यार करता है, इस तरह से, या मेरा जो कुछ हार खो गया है या समथिंग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि गायब हो गई, हमें पता नहीं चल पा रहा, हम किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते, सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ नहीं आ रहा, तो ये प्रश्न कुंडली से आप जान सकते हैं कि वो चीज़ गई तो गई, कहाँ, मिलेगी वापस कि नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितने टाइम में मिल जाएगी। तो ये सारे प्रश्न कुंडली में आपके सवाल जाने जा सकते हैं, प्रश्न कुंडली से ही आधारित क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन हैं तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको सवाल भी किस तरह से करना है उसी से रिलेटेड, ये नहीं कि आप अपनी शादी का भी उसमें पूछ लें, चीज़ खो गई उसका भी पूछ लें, ऐसा नहीं होता है। इस सबका एक पैटर्न होता है ना, हर चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से कुंडली को देखा जाता है। अब यदि आप ये जानना चाहते हैं कि रीयूनियन होगा या नहीं, इसका भी प्रश्न कुंडली से पता कर सकते हैं,
यदि आपके पार्टनर की डिटेल्स आपको नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, नहीं पता है कौन सी जगह पर पैदा हुए हैं, वो आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, आप उनसे पूछ नहीं सकते हैं, सेपरेशन पीरियड है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सेपरेशन किसी में भी हो सकता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो सकता है, मैट्रिमोनियल साइट से आप मिले हैं तो सेपरेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सेपरेशन ट्विन फ्लेम जर्नी से ही रिलेटेड हो, ठीक है। तो अगर आपके इस तरह के सवाल हैं कि रीयूनियन होगा या नहीं, वो वापस पैचअप होगा कि नहीं, क्या वो वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं, उनके मन में एग्जैक्टली क्या है, तो वो भी प्रश्न कुंडली से जाना जा सकता है। उसमें भी अगर आपके दो चार क्वेश्चन हैं तो वो फिर चंद्र से, सूर्य से, गुरु से और इस तरह से देखा जा सकता है कि ये ग्रह कहाँ है, किस स्थिति में है और उनके क्या स्वामी हैं, इस तरह से देखकर पूरी अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। तो अगर आपके पार्टनर की डिटेल भी आपको नहीं पता है तो प्रश्न कुंडली से ये जाना जा सकता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, इवन ये भी जा सकता है। तो इसका भी पता आप प्रश्न कुंडली से कर सकते हैं। तो प्रश्न कुंडली कोई ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ नहीं है, प्रश्न कुंडली से भी आप अपने सभी सवालों के जवाब एग्जैक्ट जान सकते हैं। कल को आपको किसी अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी पता चल गई तो भी आप वही सवाल करेंगे तो उस सवाल का आंसर वही आएगा। इतना ज़बरदस्त एक कैलकुलेशन है, इतना ज़बरदस्त ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उनको प्रणाम है और धन्यवाद है कि हम उस चीज़ को सीख पा रहे हैं इस कलयुग में भी। थैंक यू सो मच, आप सभी का भी धन्यवाद है वीडियो को पूरा देखने, सुनने, समझने के लिए। तो कोई भी सवाल हो तो आप मोस्ट इन्वाइटेड हैं। धन्यवाद।